नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। राइट, बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जिस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर में ही पढ़ना शुरू किया था, उसका हमने एक सर्टन सेक्शन कंप्लीट किया है। बाकी का बचा हुआ पोर्शन आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, अभी तक हमने ये देखा कि इन्फ्लेशन क्या होता है। हमने ये समझा कि जनरल राइज इन प्राइस, जब चीजों की कीमतें बढ़ रही है तब वो क्या है, इन्फ्लेशन है। 100 रुपए की चीज अगर 110 रुपए में बेची जा रही है, मतलब मोर देन 100 रुपीज, तो वो क्या है, इन्फ्लेशन। उसी तरीके से 100 रुपए की प्राइस गिर भी सकती, प्रोडक्ट की प्राइस मान लो वो 90 रुपए में बेची जा रही है, तो इसको कहेंगे डिफ्लेशन। विच इज ए डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब निगेटिव इन्फ्लेशन। ये क्या है, निगेटिव इन्फ्लेशन। तो जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इट इज जनरल राइज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो इन्फ्लेशन है। ये क्यों होता है, तो ये मार्केट के अंदर डिमांड के ऊपर डिपेंड होता है। एज डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीजेस और सप्लाई ऑफ द गुड शॉर्टन या फिर सप्लाई कम हो जाए, तब मार्केट के अंदर हम इन्फ्लेशन को देख सकते हैं, डिमांड बढ़ने से और सप्लाई कम होने से, दोनों तरीके से। अभी डिमांड और सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड होती है, तो डिमांड और सप्लाई इज टोटली डिपेंड ऑन मनी सप्लाई, पैसे के ऊपर डिपेंड होता है। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी वहां पे, मनी सप्लाई घटेगा तो डिमांड घट जाएगी। तो दैट्स व्हाई हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एक इंपॉर्टेंट काम बन जाता है आगे जाके। ये अगर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो इन्फ्लेशन के कारण इंडिया के अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अब ये जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है काफी खतरनाक होती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, टर्की, तुर्की आज का, तो ये जो टर्की है उसके यहाँ पे 60% के अराउंड इन्फ्लेशन है। तो ये जो 60% के अराउंड इन्फ्लेशन है, मतलब अगर कोई इंसान 10,000 रुपये महीने का खर्चा कर रहा था, अब वो 16,000 रुपये महीने का खर्चा कर रहा है, तो दिस इज योर इन्फ्लेशन। तो 6,000 रुपये खर्चा बढ़ गया ना वहां पे। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों के खर्चे तो बढ़ रहे हैं, सेविंग्स कम हो रही है, इससे ग्रोथ के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो इन्फ्लेशन एक बुरी चीज है इकोनॉमी के अंदर, हद से ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए तो उसको खत्म करना है। अब हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाए, तो हम देख रहे थे कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे एक है प्रोड्यूसर लेवल पे जो इन्फ्लेशन फाइंड आउट किया जाता है, पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक ये थ्योरी पर, मतलब थ्योरी बेसिस पे है, अभी भी इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो इसलिए पीपीआई के बारे में हमने ज्यादा जानकारी नहीं ली थी, हमने बस इतना समझा था कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। तो पीपीआई इज अ कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स इन इकोनॉमी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो प्रोड्यूसर है ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फ्लेशन पॉइंट कैलकुलेट किया जाएगा, दैट इज पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अभी तक इंडिया में इसको कैलकुलेट नहीं करते हम। फिर हमने समझा था WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। व्हाट इज WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स? तो ये होलसेल लेवल पे जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उसको कैलकुलेट करेगा, होलसेल लेवल पे। अब होलसेल लेवल मतलब क्या, जहां पे बल्क ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे मान लो आपने एक दुकान से आपने पेन खरीदा, लेकिन वो दुकानदार पेन होलसेलर से खरीद रहा है ना। अभी होलसेलर डायरेक्ट कंपनी भी हो सकती है या फिर कोई भी बड़ा ट्रेडर हो सकता है। तो ये जो होलसेल प्राइस है ये अलग होती है एमआरपी से, रिटेल प्राइस। एमआरपी क्या होती है आपकी, रिटेल प्राइस। तो ये रिटेल प्राइस से अलग होती है, इसलिए दोनों प्राइस के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग हो। दैट्स व्हाई दो अलग अलग इंडेक्सेस फाइंड आउट करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स, दैट इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। WPI के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो WPI है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा फाइंड आउट किया जाएगा, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर में एक संस्था है, और यहाँ पे बस गुड्स को कंसिडर करेंगे, ओनली गुड्स 697 गुड्स को कंसिडर करेंगे। इतने गुड्स को आधार बना के इन्फ्लेशन फाइंड आउट करना, मतलब WPI फाइंड आउट करना है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि WPI के अंदर जो भी इन्फ्लेशन है हम उसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर साइड इंडेक्स। ये प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से इन्फ्लेशन निकलता है यहाँ पे, लेकिन ये 100% प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से नहीं है, इसलिए पीपीआई को डेवलप करने की जरूरत होगी।
अब डब्ल्यूपीआई के अंदर जितने भी 697 गुड्स है उनको भी हमने तीन कैटेगरीज में बांट दिया, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड फ्यूल एंड पावर। तो सबसे ज्यादा वेटेज होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, उससे कम वेटेज होता है आपका प्राइमरी आर्टिकल जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, फिर आपका फ्यूल एंड पावर 30% के ऊपर। सो दैट्स हाउ डब्ल्यूपीआई इज कैलकुलेटेड। डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011-12 यूज करेंगे, मतलब 2011-12 के प्राइसेस को करंट ईयर के प्राइसेस से कंपेयर करके हमको इन्फ्लेशन मिलेगा। फिर हमने पढ़ा था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। सीपीआई को इश्यू करने वाली, पब्लिश करने वाली संस्था है एनएसओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है। अब इसके अंदर सीपीआई तीन तरीके से निकलता है, एक है सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन एंड सीपीआई कंबाइंड। सीपीआई रूरल के अंदर 448 गुड्स एंड सर्विसेज, डब्ल्यूपीआई के अंदर ओनली गुड्स थे, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज। तो रूरल के अंदर गुड्स गुड्स एंड सर्विसेज कुल मिला के 448 है, अर्बन के अंदर यही गुड्स और सर्विसेज 460 है। रूरल और अर्बन दोनों को मिला के सीपीआई कंबाइन निकाला जाएगा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनके इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए, मतलब जो आरबीआई 2% to 6% ऑफ इन्फ्लेशन मेंटेन करती है, वो कौन सा है? सीपीआई कंबाइन। वो कौन सा आएगा? सीपीआई कंबाइन। तो आरबीआई सीपीआई को यूज करती है फॉर देयर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, एनएसओ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा बनाया जाता है। इसके लिए जो बेस ईयर 2012 है। तो अभी तक क्या हमने सीपीआई तक पढ़ा था, आगे की कहानी आज पढ़ेंगे। सीपीआई के अंदर अगर हम वेटेज देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है फूड एंड बेवरेजेस, मतलब प्राइमरी गुड्स के ऊपर। फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेटेज है, जबकि हमने डब्ल्यूपीआई के अंदर देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट सबसे ज्यादा वेटेज में है, ये डब्ल्यूपीआई के लिए। इसलिए सीपीआई को जो है ना ये कंज्यूमर से ज्यादा नजदीक माना जाता है, कंज्यूमर सेंट्रिक सीपीआई होता है, जबकि डब्ल्यूपीआई प्रोड्यूसर सेंट्रिक इन्फ्लेशन इंडेक्स निकलता है, ठीक है। जो सीपीआई होते हैं उसके और भी टाइप्स होते हैं, जैसे सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर, सीपीआई रूरल लेबर, ठीक है। अब ये चीजें क्या है, हमने सीपीआई अभी देखा तो थोड़ी देर पहले रूरल अर्बन एंड कंबाइन। अब ये ऊपर की तीन चीजें देख लेते हैं कि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर क्या है, एग्रीकल्चरल लेबर क्या है एंड रूरल लेबर क्या है। जब हम बात कर रहे हैं सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा बनाया जाता है, लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आती है। सीपीआई के ये जो तीनों टाइप है, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर एंड रूरल लेबर, ये तीनों टाइप्स को निकालते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर निकालती है। मतलब अभी तक हमने ये देखा था कि डब्ल्यूपीआई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स निकालती है, सीपीआई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स पब्लिश करती है, जबकि सीपीआई के जो अन्य तीन टाइप है, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर एंड रूरल लेबर, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा बनाए जाते हैं। अब ये अलग अलग क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का अलग अलग पर्पज होता है। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर जो होता है वो पर्टिकुलरली डीए फाइंड आउट करने के लिए निकाला जाता है, डीएनएस अलाउंसेस। जो भी सैलरीज के अंदर डीएनएस अलाउंस होगी वो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर को देख के, मतलब इस इन्फ्लेशन रेट को देख के ही बढ़ाई जाएगी। एग्रीकल्चरल लेबर और रूरल लेबर, ये जो है ना एग्रीकल्चर के अंदर लेबर्स के वेजेस डिफाइन करने के लिए यूज में लाए जाते, जैसे कि नरेगा योजना। अब नरेगा योजना के अंदर ये महात्मा गांधी नरेगा योजना है ना, ये ऐसी स्कीम है जो 2005 में लॉन्च की गई थी। स्कीम के अंदर 100 डेज की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, मतलब यहाँ पे सरकार गारंटी देती है कि आपको, मतलब भारत के लोगों को 100 दिन का गारंटीड नॉन स्किल लेबर मिलेगा, नॉन स्किल्ड लेबर मिलेगा उनको 100 दिन का। तो दिस इज योर नरेगा योजना। अब नरेगा स्कीम के अंदर क्या होता, जो भी लेबर है उनको वेजेस देने पड़ेंगे। अब वेजेस कितनी देनी है ये डिसाइड करने के लिए इन्फ्लेशन कितना है वो देखना पड़ेगा। अब वो जो इन्फ्लेशन होगा वो सीपीआई रूरल लेबर से पता चलेगा। सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर क्या है, तो सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर ये सिंपली
एग्रीकल्चर के अंदर लेबर कॉस्ट इनपुट कॉस्ट क्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर को यूज करेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वहां का इन्फ्लेशन फाइंड आउट करेंगे। इसलिए अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग सीपीआई को फाइंड आउट किया जाता है और अकॉर्डिंगली उसको यूज किया जाएगा इन द पॉलिसी मेकिंग। सो दीज आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीआई, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर, सीपीआई रूरल लेबर। ये जो तीनों सीपीआई है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा बनाए जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार। नेक्स्ट, सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई, कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में अंतर क्या आता है। डब्ल्यूपीआई ट्रैक इन्फ्लेशन एंड प्रोड्यूसर लेबर, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि डब्ल्यूपीआई जो भी है वो प्रोड्यूसर साइड से बताता है इन्फ्लेशन, जबकि सीपीआई जो है ना वो कंज्यूमर साइड से इन्फ्लेशन बताता है। इसलिए सीपीआई लोगों से ज्यादा जुड़ा हुआ है जबकि डब्ल्यूपीआई प्रोड्यूसर से ज्यादा हुआ जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे दो अलग अलग प्राइजेस आ सकती है ना, प्रोड्यूसर के लिए अलग इन्फ्लेशन हो सकता है और कंज्यूमर के लिए अलग इन्फ्लेशन हो सकता है, क्योंकि प्रोड्यूसर प्राइस और कंज्यूमर प्राइस के अंदर टैक्सेस और सब्सिडीज का रोल प्ले होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया। तो इसीलिए क्या होता है कि प्रोड्यूसर साइड पे जो इन्फ्लेशन है और कंज्यूमर साइड पे इन्फ्लेशन है वो अलग अलग हो सकता है। CPI WPI के बीच स्मॉल डिफरेंस क्या है कि CPI does not capture change in price of services. तो sorry, WPI does not capture change in price of services. तो WPI services को consider नहीं करता है। इसलिए अगर services के अंदर कुछ inflation हो रहा है तो वो WPI capture नहीं कर सकता है वहां पे, है ना। तो इससे inflation की जो image मिलेगी, जो data मिलेगा वो distorted data होगा, वो perfect data नहीं हो सकता है। That's why WPI को हमने रिजेक्ट किया इन द मॉनेटरी पॉलिसी, इन द मॉनेटरी पॉलिसी टारगेटिंग, और WPI के जगह पे CPI को यूज किया, वरना पहले WPI यूज करते थे, अभी के लिए CPI यूज कर रहे हैं। सो दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन WPI एंड CPI। अब गाइस अभी तक हम ये देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन फाइंड आउट करने के तीन तरीके हैं, एक PPI जो कि अभी भी फुल्ली डेवलप होना बाकी है, देन WPI एंड CPI। WPI और CPI ये widely used data है ना। अभी recently first week of December में monetary policy को implement किया गया, monetary policy committee की report आई है। उस report के अंदर भारत के अंदर interest rate क्या होंगे उसको बारे में बताया गया है, particularly policy rate बताता है, it talks about policy rates। तो अभी के लिए no change रखा है, कैसा ये नो चेंज, मतलब दिसंबर 2023 की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें पॉलिसी रेट बदले नहीं गए। अब ये क्यों नहीं बदले, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो 2-6% के बीच में ही है, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू चेंज द इंटरेस्ट, तो दैट्स व्हाई पॉलिसी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किए गए। ठीक है, तो जहां पे ये जो इन्फ्लेशन कंसिडर किया गया वो है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये जो CPI, पहले WPI यूज करते थे, अब CPI यूज कर रहे हैं, क्या यही तरीके इन्फ्लेशन फाइंड आउट करने के? तो इसका आंसर है नहीं। इन्फ्लेशन फाइंड आउट करने के और भी तरीके हैं, जैसे एक तरीका है GDP डिफ्लेटर। अब GDP डिफ्लेटर को समझने से पहले GDP क्या है इसको भी बता देता हूं शॉर्ट में डेफिनेशन। GDP मतलब किसी भी देश की कमाई, इनकम, कि उस देश की टोटल वेल्थ कितनी है, उस देश की टोटल वेल्थ कितनी, GDP कितना है, उस देश की इकोनॉमिक साइज कितनी है। तो जब हम GDP डिफ्लेटर की बात करते हैं तो ये रेशियो है GDP ऑफ नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP, ये रेशियो। अब ये दोनों चीजें क्या है, तो GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक साल के अंदर एक देश में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उनकी अगर वैल्यू की टोटल कर दूं मैं तब मुझे क्या मिलेगा, GDP। सो मान लो एक देश के अंदर टोटल गुड्स और सर्विसेज 100 है, हर एक की वैल्यू 10 रुपए है ना फाइनल वैल्यू, तो दैट मीन 100 गुड्स और सर्विसेज की अगर वैल्यू है 10 रुपए तो टोटल हो गया आपका 1000 रुपए,
तो मेरा जीडीपी निकल गया 1000 रुपीज। ये एक साल के लिए होगा एक देश के अंदर। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इट इज द टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि एक साल के अंदर याद। तो दिस इज योर जीडीपी। तो जीडीपी किसी भी देश की इकोनॉमिक साइज के बारे में बात करते हैं। अब ये जो जीडीपी है ये दो तरीके से निकलेगा। पहला नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ये करंट रेट पे निकाला जाएगा। उसके बाद होता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है, ये बेस रेट पे निकाला जाएगा। मान लो अभी चलो 2023, टुडे इज 2023। अब 2023 के अंदर जो भी प्राइजेस होंगी प्रोडक्ट्स की, जब उन प्राइजेस के ऊपर मैं जीडीपी कैलकुलेट करूंगा तब होगा वो नॉमिनल जीडीपी। कि मान लो 2023 में इंडिया में 100 पेन बनाए गए, करंट प्राइस है एक पेन की 150 रुपए, तो 100 पेन मल्टीप्लाइड बाय 150, ये क्या आएगा आपका टोटल जीडीपी। तो 15,000 रुपए का नॉमिनल जीडीपी आया। अब रियल जीडीपी क्या है कि यही 100 पेन मतलब सेम प्रोडक्शन अगर मैं बेस रेट पे बेस ईयर के प्राइसेस पे कैलकुलेट करूं तब मुझे नॉमिनल रियल जीडीपी मिलेगा। मतलब अब बेस ईयर होगा यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल 2015, 2015 का अगर बेस ईयर कंसीडर करेंगे, 2015 में यही पेन 100 रुपए में मिल रहा है, तब आपका रियल जीडीपी निकल के आएगा 10,000। रियल जीडीपी कितना निकल के आएगा 10,000। अब ये जो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी इनके इन दोनों के बीच में 5,000 रुपए का गैप आया ना, ये 5,000 रुपए का गैप मतलब जीडीपी डिफ्लेटर। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये गैप क्यों आया, तो ये गैप आने का सिंपल कारण है इन्फ्लेशन। इसका कारण क्या है, इन्फ्लेशन। तो कहीं जब हम जीडीपी डिफ्लेटर फाइंड आउट कर रहे हैं तब हम इन्फ्लेशन भी फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे 15,000 इट्स अ रेशियो ना, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, नॉमिनल टू रियल का रेशियो होता है। अब हमारे पास नॉमिनल जीडीपी जो है ठीक है, ये जो नॉमिनल जीडीपी ये कितना है 15,000, रियल जीडीपी है 10,000, तो दोनों का रेशियो कितना निकल जाएगा मल्टीप्लाइड, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे हम, कितना आएगा आपका 15 मल्टीप्लाइड बाय 10, 150 मतलब 100 प्लस 15 दैट इज 50%। तो इन्फ्लेशन कितना निकला जीडीपी डिफ्लेटर के बाद 50% निकला है। अब यही अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो वही निकलेगा ना, कि पहले 100 रुपए थी अब 150 रुपए, मतलब 50 रुपए बढ़ गए किसके ऊपर, 100 रुपए के ऊपर। अगर रेशियो निकालोगे तो आपको निकलेगा 50%। हेंस प्रूफ, हमने प्राइजेस और जीडीपी के प्राइजेस, प्रोडक्ट के प्राइजेस और जीडीपी के प्राइजेस के अंदर देखा तो दोनों जो चेंजेस है वो सेम दिखाई दिए। तो जीडीपी डिफ्लेटर से हम इन्फ्लेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर टॉक्स अबाउट इन्फ्लेशन इन इंडिया। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर को इन्फ्लेशन फाइंड आउट करने के लिए नहीं निकालते हम लोग। जीडीपी डिफ्लेटर को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसका पर्पज अलग है। बेसिक आइडिया क्या है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो हमको कैसे पता चलेगा ये जो ग्रो हो रही है वो किस कारण हो रही है। जैसे कल तक इंडिया का जीडीपी 10,000 था, अगले साल इंडिया का जीडीपी 15,000 हो गया। अब ये 10,000 से 15,000 मतलब 5,000 रुपए जो जंप हुआ है वो किस कारण हुआ है, तो इसके दो कारण है। पहला कारण है इन्फ्लेशन। अगर हर प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ेंगी तो 10,000 से 15,000 रुपए जीडीपी भी हो सकता है। दूसरा कारण है प्रोडक्शन। अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो ये सारा जो 5,000 रुपए बढ़ा है प्रोडक्शन बढ़ने के कारण हुआ है। तो इसलिए दो कारण है। अब दो में से ओरिजिनल कारण कौन सा है, प्रोडक्शन के इन्फ्लेशन। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर को निकालते हैं कि हमने क्या कर लिया, सेम प्रोडक्ट्स को करंट ईयर पे कैलकुलेट किया, उसी प्रोडक्ट्स को हमने बेस ईयर पे कैलकुलेट किया। अब करंट और बेस ईयर के जो वैल्यूज निकलेंगी उनके डिफरेंस से हमको पता चलेगा कि इन्फ्लेशन कितना है और इन्फ्लेशन कितना नहीं है। अंडरस्टूड? सो दिस इज योर जीडीपी डिफ्लेटर। जब हम नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ेंगे इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ।
गाइस दिस इज अबाउट जीडीपी डिफ्लेटर. सो जीडीपी डिफ्लेटर आल्सो कॉल्ड इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर. इट मेजर्स द इन्फ्लेशन. इट मेजर्स इन्फ्लेशन. इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमिक प्रोड्यूस इन पर्टिकुलर ईयर एट करंट प्राइजेस एंड एट द बेस ईयर. ठीक है ना, करंट प्राइजेस और बेस ईयर. करंट प्राइजेस पे जो होगा वो नॉमिनल है, प्राइस प्राइजेस बेस प्राइजेस पे जो होगा वो रियल है. द रेशियो हेल्प्स शो द एक्सटेंट टू व्हिच द इंक्रीज इन जीडीपी हैज हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ जस्ट राइज इन प्राइस रादर देन इंक्रीजिंग आउटपुट. ये चीज मैंने आपको समझाई थी कि ये रेशियो हमको मदद करेगा टू अंडरस्टैंड कि जीडीपी में जो राइज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, वो किसके कारण हुआ है. क्या वो इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज के कारण हुआ है, या फिर वो आउटपुट बढ़ने प्रोडक्शन बढ़ने के कारण हुआ है. इसका आंसर हमको जीडीपी डिफ्लेटर देखने के बाद पता चला. तो जीडीपी डिफ्लेटर कवर द एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री एज अगेंस्ट द लिमिटेड कमोडिटी बास्केट फॉर द होलसेल एंड कंज्यूमर प्राइस. तो हियर इज द मेन पॉइंट. ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है इससे हमको इन्फ्लेशन का आइडिया मिलेगा. सो वी विल बी अंडरस्टैंड अबाउट द इन्फ्लेशन इन अ पर्टिकुलर कंट्री फॉर पर्टिकुलर फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम. यही काम WPI और CPI भी कर रहे हैं एंड CPI. बट WPI और CPI के अंदर जो भी गुड्स या फिर गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं वो लिमिटेड है. कैसे है लिमिटेड? मतलब WPI के अंदर 697 गुड्स, CPI के अंदर मैक्सिमम 460 गुड्स है ना, गुड्स एंड सर्विसेज. इस तरीके से लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज के आधार पे आप WPI और CPI को निकाल रहे हो. जबकि जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कैलकुलेटेड. इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज है सबको कैलकुलेट करके ही इन्फ्लेशन निकल रहा है. इसलिए हम कहते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर इज अ गुड फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स. ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन इंडेक्स है. इसके अंदर सारे गुड्स और सारे सर्विसेज को इंक्लूड करके हम इन्फ्लेशन को देख रहे कितना है. तो इसके कारण इन्फ्लेशन के बारे में अच्छी जो तस्वीर है वो CPI WPI के कंपैरिजन में जीडीपी डिफ्लेटर दे सकता है. बट स्टिल RBI यूजेस CPI फॉर देयर इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड नॉट जीडीपी डिफ्लेटर. उसका कारण ये है कि जीडीपी डिफ्लेटर कितनी भी प्रिसाइज इन्फ्लेशन रेट बताए आपको, कितना भी क्लियर पिक्चर दे, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे निकलेगा. क्वार्टरली है ईयरली बेसिस पे निकलेगा. जब जीडीपी डिफ्लेटर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे निकल रहा है जबकि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आपकी बाय मंथली मिल रही है. तो कैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो कमिटी मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करती है क्वार्टरली डेटा यूज कर सकते हैं? क्योंकि क्वार्टरली डेटा मतलब साल में चार बार ये डेटा निकलेगा, लेकिन साल में छह बार मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग हो रही है ना. तो हर मीटिंग के अंदर उनको प्राइस पॉलिसी रेट मतलब इंटरेस्ट रेट क्या है वो डिसाइड करना पड़ेगा. अब हर मीटिंग में उनको फ्रेश डेटा नहीं मिलेगा ना, तो हाउ दे कैन डिसाइड. इसलिए ये जो क्वार्टरली बेसिस पे डेटा निकलता है ना इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी यूज नहीं कर, इसके जगह पे CPI को यूज कर रही है जो कि वीकली या फिर मंथली डेटा निकलता है. इस तरीके से निकलता है. अब जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी तब उनके सामने फ्रेश डेटा होगा, पुराना डेटा नहीं होगा, क्योंकि क्वार्टरली के अंदर पुराना डेटा यूज होगा है ना. छह में से दो मीटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ये पुराना डेटा यूज करेंगे, चार मीटिंग फ्रेश डेटा यूज करेंगे, लेकिन फिर भी इससे इन्फ्लेशन टारगेटिंग प्रिसाइज तरीके से नहीं होगी. That's why CPI is preferred by the RBI instead of GDP deflator. Okay, so GDP deflator covers the entire range of goods and services. That's the biggest benefit of GDP deflator. लेकिन इसका fault क्या है कि ये frequently नहीं निकलता, ये बार-बार नहीं निकलता, ये साल में मतलब quarterly निकलेगा या फिर yearly निकलेगा. Okay. अब जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो एंटायर रेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज को कंसीडर करता है, दैट्स व्हाई इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ इन्फ्लेशन. ये सबसे विस्तृत डेटा देता है, मतलब सबसे क्लियर पिक्चर बताएगा इन्फ्लेशन के बारे में. तो दिस इज योर जीडीपी डिफ्लेटर. यहाँ पे मैंने नॉमिनल और रियल जीडीपी का डिफरेंस बताया आपको. नॉमिनल जीडीपी मतलब जीडीपी मेजर इन टर्म्स ऑफ प्राइस लेवल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, मतलब करंट प्राइसेस.
जबकि रियल जीडीपी क्या है, ये करंट प्राइसेस पे नहीं है, ये बेस प्राइसेस पे जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप रियल जीडीपी निकाल रहे तो वो जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन है, मतलब आप इन्फ्लेशन को रिजेक्ट करके जो भी वैल्यू है उन वैल्यू को कंसिडर कर लो आप। ओके, नॉमिनल जीडीपी इज डिफ्लेटेड, प्राइस इज इंक्रीज्ड, मतलब कैसा है, वो इन्फ्लेटेड है। ठीक है, रियल जीडीपी जो है वो इन्फ्लेटेड नहीं होता है, उसके अंदर से इन्फ्लेशन को निकाल देते हैं। तो दैट्स व्हाई रियल जीडीपी इज इन्फ्लेशन फ्री डेटा, जबकि नॉमिनल जीडीपी इज इन्फ्लेशन डेटा। ओके, इन्हीं का रेशो आपको जीडीपी डिफ्लेटर मिलेगा। अब गाइस ये तो थी गुड्स और सर्विसेज की बात है, इसके अंदर मल्टीपल टाइप के गुड्स और सर्विसेज कंसिडर है। बट इंडिया के अंदर हाउसिंग प्राइस इंडेक्स भी निकाला जाता है। व्हाट इज हाउसिंग प्राइस इंडेक्स? तो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स ये हाउसिंग सेक्टर के अंदर कितना इन्फ्लेशन है और कितना नहीं है इसके बारे में बताएगा। सो दिस इज प्योरली फॉर हाउसिंग सेक्टर ओनली, मतलब इस हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के अंदर एक ही गुड कंसिडर कर रहे, वो क्या है, घर, हाउसेस। तो ये जो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है ये हाउसिंग सेक्टर के अंदर का इन्फ्लेशन आपको बताएगा। अभी जो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है, द ऑल इंडिया हाउसिंग प्राइस इंडेक्स इज क्वार्टरली रिलीज डन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ये बेस ये 2010-11 यूज करता है। मतलब हाउसिंग प्राइस इंडेक्स HPI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश किया जाता है, और ये जो बेस ईयर है ये बेस ईयर के नाम पे क्या यूज करते हैं, 2010-11 का डेटा यूज करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन लेवल डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द हाउसिंग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज इन 10 मेजर सिटीज ऑफ द कंट्री। तो इंडिया के 10 बड़े शहरों के अंदर घरों की कीमतें कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, उसी के आधार पे आपका हाउसिंग प्राइस इंडेक्स निकाला जाएगा, पब्लिश किया जाएगा बाय RBI। अब वो 10 सिटीज कौन सी है, तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, रायपुर, सॉरी जयपुर, कानपुर, कोचीन, कोलकाता, लखनऊ एंड मुंबई। अब आपको ये 10 सिटीज के नाम कोई नहीं पूछेगा एग्जामिनेशन के, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 10 सिटीज कंसिडर करेंगे हाउसिंग प्राइस इंडेक्स HPI के अंदर, और HPI को पब्लिश करने वाली संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो बेस ये 2010-11 यूज करेगी और ये क्वार्टरली बेसिस पे ही पब्लिश किया जाता है। तो दिस इज योर हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। इसी तरीके से हाउसिंग के अंदर ही और एक इंडेक्स निकलता है जिसको आप कहोगे NHB रेसिडेक्स। अब NHB रेसिडेक्स इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन हाउसिंग प्राइस इंडेक्स बाय RBI। ये जो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है ये RBI पब्लिश करेंगे, लेकिन जो रेसिडेक्स है वो NHB नेशनल हाउसिंग बैंक ये पब्लिश करेंगे। नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है? इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रीवियसली NHB हैज कंसीडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ RBI। RBI का एक फंक्शनल यूनिट की तरह इसको कंसीडर कर रहे थे। 1987 में बनी हुई संस्था है, एक कानून से बनी, मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। संस्था का काम क्या है? संस्था का काम है इंडिया में हाउसिंग सेक्टर को डेवलप करना। कैसे? मनी सप्लाई करके। तो जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर सुपरविजन रखने का काम NHB करता है। उसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रीफाइनेंस करने का काम भी NHB करता है। इस तरीके से NHB एक इंपॉर्टेंट संस्था है हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। पहले रेगुलेटर थी, अभी के लिए रेगुलेटर का काम नहीं करती, वो बस सुपरवाइजर का काम करती है। तो ये जो हाउसिंग नेशनल हाउसिंग बैंक है NHB, ये भी क्या करती है, हाउसिंग के अंदर घरों के अंदर इन्फ्लेशन कितना है उनके प्राइसेस के अंदर उनको देखती है। तो यहाँ पे NHB रेसिडेक्स के अंदर 50 सिटीज को कंसिडर किया जाएगा, 50 सिटीज, जबकि हम देख रहे हैं हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जो RBI बनाता है वो 10 सिटीज और ये 50 सिटीज कंसिडर कर रहे हैं। दैट मीन्स NHB रेसिडेंस इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। ओरिजिनली इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, 2015 में इसको डिसकंटिन्यू किया और अगेन 2018 में इसको री इंट्रोड्यूस किया। मतलब अभी भी NHB काम कर रहा है, अभी भी NHB क्या बता रहा है, हाउसिंग प्राइजेस इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन हाउसिंग प्राइजेस थ्रू आउट द कंट्री, इसके लिए 50 सिटीज का वो सहारा ले। ओके, तो इसको रीइंट्रोड्यूस किया था 2018 में। बेस ईयर क्या यूज कर रहे हैं, 2012-13। तो इस तरीके से आपका हाउसिंग प्राइस इंडेक्स यूज हो रहा है इंडिया के अंदर। 50
50 सिटीज के अंदर ये सारा डेटा निकाला जाएगा। The NHB residents currently offer two sets of quarterly housing price indices. मतलब ये भी डेटा कैसे निकलता है? Quarterly निकलता है। ओके okay? एक तो है मार्केट HPI एंड असेसमेंट HPI। इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दोनों के अंदर। द लिस्ट प्राइस अंडर द कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कलेक्टेड थ्रू द सर्वे ऑफ डेवलपर्स एंड कैप्चर्ड इन मार्केट प्राइस इंडेक्स द डेटा रिपोर्टेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनी दैट एक्सटेंडेड होम लोन इज कॉल्ड एज असेसमेंट HPI। सिंपल कि जो भी बैंक्स के द्वारा हाउसिंग प्राइसेस मिल रही है उसके आधार पे जो HPI निकल रहा है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स रेसिडेक्स के अंदर वो है असेसमेंट HPI। जबकि जो डेवलपर्स है मतलब बिल्डर्स है बिल्डर्स द्वारा जो घरों की प्राइसेस मार्केट में मिल रही है उन प्राइसेस के आधार पे मिलता था मार्केट HPI। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों के अंदर एकदम मामूली होता। तो व्हाट इज इट हाउसिंग प्राइस इंडेक्स NHB अंडरस्टूड। तो ये जो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो गाइस इंडिया के अंदर इतने अलग अलग तरीके से इन्फ्लेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण क्या है ये सबसे क्रूशियल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गाइस अभी तक हम फैक्ट देख रहे थे कि इन्फ्लेशन कितने टाइप का होता है देन इन्फ्लेशन को कौन से मेजर्स होते हैं जैसे WPI CPI PPI GDP डिफ्लेटर हाउसिंग प्राइस इंडेक्स ये उसके अलग अलग मेजर्स होते हैं। आपको जो ज्यादा ट्रिकी सवाल पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर वो उसके कॉजेस से पूछे जा सकते हैं ना। जैसे जैसे आपकी एग्जामिनेशन बड़ी पोजीशंस के लिए कंडक्ट की जाएगी मान लो कि जैसे आप PO के लिए ग्रेड बी के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हो बैंकिंग सेक्टर के अंदर तब आपके सवाल टफ बनते जाएंगे। जब सवाल टफ बनेंगे तो टफ इस टॉपिक से होंगे मतलब इन्फ्लेशन के अंदर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन यहां से आपके सवाल टफ बनेंगे मतलब आपको एग्जामिनेशन में लिख के मिलेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ राइज इन प्राइस इन मार्केट है ना। तो आपको वहां पे पूछ सकते हैं तो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन वहां पे रखेंगे एक हाथ गलत ऑप्शन डाल देंगे बोलेंगे कि रॉन्ग ऑप्शन ढूंढो या फिर सही ऑप्शन ढूंढो। इस तरीके से आपके कॉजेस के आधार पे हो सकते हैं। जब हम कॉजेस की बात करते हैं कि इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है कॉजेस की बात कर रहे हैं ये इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है तब ये हमने कॉजेस दो तरीकों में बांट दिए एक सप्लाई साइड प्रॉब्लम और दूसरी डिमांड साइड प्रॉब्लम। इसको हमने कहा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसको हमने कहा डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है ये वो कारण है जिनके कारण इन्फ्लेशन हो रहा है और इन कारणों के अंदर सप्लाई साइड में इंपैक्ट हो रहा है। सप्लाई साइड में मतलब जो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है ना और जो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वहां पे प्रॉब्लम्स हो रही है। इसके कारण क्या हो रही है वहां पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मान लो जैसे टैक्सेस बढ़ा दिए टैक्सेस बढ़ाए तो प्रोड्यूसर उन्हीं टैक्सेस को कस्टमर से वसूलेगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा उन टैक्सेस को MRP के अंदर ऐड कर देगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस MRP के ऊपर लिखा होता है ना। तो वो टैक्सेस बढ़ रहे तो वो सप्लाई साइड से ही प्राइसेस बढ़ रही है ना वहां पे दैट्स व्हाई इट इज सप्लाई साइड प्रॉब्लम। डिमांड साइड प्रॉब्लम मतलब क्या होती है कि यहाँ पे डिमांड साइड में प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लो पॉपुलेशन बढ़ गई पॉपुलेशन बढ़ने से भी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये सारी चीजें कैसे होगी इनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे डिस्कस करेंगे ओके। तो कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब शुरू करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से। यहां में जितने भी हमने आर्टिकल्स लिखे उन सारों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कॉस्ट पुश के अंदर सबसे पहला है शॉर्टेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये वो सारी चीजें जो प्रोडक्शन करने में नेसेसरी है जैसे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार वो तरीके जिनको आप कहोगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। किसी भी जगह पे प्रोडक्शन शुरू करने के लिए आपको मिनिमम चार चीजें चाहिए मतलब चाहिए। अब मान लो इनमें से किसी चीज में महंगाई होगी जैसे फॉर एग्जांपल लैंड
अगर लैंड के ऊपर रेंट महंगा हो गया, है ना, मान लो कि आपकी एक दुकान है, दुकान के अंदर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। अब दुकान का भाड़ा बढ़ गया, पहले दुकान का भाड़ा था 10,000, अब हो गया 20,000, तो ये जो बढ़े हुए 10,000 है ये आप कस्टमर से ही वसूलोगे ना, तो कस्टमर से वसूलने के लिए आप क्या करोगे, प्राइजेस में ऐड कर दोगे, है ना। तो मान लो आप टमाटर बेच रहे हो तो टमाटर की प्राइजेस में थोड़ा सा इजाफा कर दोगे, इसके कारण क्या हो जाएगा, आपके 10,000 रुपये वसूल हो जाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस में हुआ क्या, टमाटर महंगे हो गए ना। अब ये महंगे क्यों हुए, सप्लाई साइड के कारण। कहां पे, सप्लाई साइड के कारण ये टमाटर महंगे हो गए, तो दैट्स व्हाई इट्स अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इससे कॉस्ट पुश की गई, है ना। टमाटर की प्राइसेस बढ़ गई ना, तो टमाटर की प्राइसेस पुश हो गई। तो लैंड है, लेबर भी हो सकता है, जैसे मान लो कि कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो लेबर है, मजदूर है, उन्होंने सैलरी हाइक मांग ली, सैलरी बढ़ाई, मतलब उन्होंने सैलरी हाइक मांग ली वहां पे, तो सैलरी देने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। मान लो पेन बनाने की फैक्ट्री है, तो पेन बनाने की फैक्ट्री में मजदूरों ने सैलरी हाइक मांग ली, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ये जो ज्यादा पैसे वो दे रहे हैं सैलरी के अंदर, वो पेन की प्राइस में ऐड कर देंगे। अब पेन थोड़े से महंगे हो जाएंगे ना, क्योंकि प्रोड्यूसर अपनी जेब से थोड़ी ना सारा पैसा डालेगा, वो क्या करेंगे, वो कंज्यूमर से वो पैसा निकालेंगे, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, पेन की प्राइस बढ़ जाएगी, है ना। कैपिटल, कैपिटल मतलब जैसे डेट, अगर बैंकों ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो किसी भी कंपनी को कर्जा लेना महंगा हो जाएगा। अब महंगे में कर्जे ले रहे तो वो जो ज्यादा का खर्चा हो रहा है वो कस्टमर से निकालेंगे ना, तो वो कमोडिटी के प्राइस इजाफा कर देंगे वहां पे। सो दैट्स हाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्टली हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, वहां पे चीजों के दाम बढ़ेंगे, है ना। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये डिसाइड करेंगे वहां पे कि इन्फ्लेशन है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर शॉर्टेज होता है तो उसके कारण भी होगा, फॉर एग्जाम्पल ऑयल, फॉर एग्जाम्पल ऑयल, ऑयल मतलब क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर अगर क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो क्रूड ऑयल महंगा होने से क्या होगा, इंडिया के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी ना, सिंपल है। क्रूड ऑयल महंगा मतलब ट्रांसपोर्टेशन महंगा, जब ट्रांसपोर्टेशन मतलब लॉजिस्टिक्स महंगा हो जाएगा तो वही प्राइसेस प्रोडक्ट में ऐड की जाएगी ना, तो शॉर्टेज ऑफ ऑयल लीड टू द इन्फ्लेशन इन इंडिया, है ना। टेक अनदर एग्जांपल, लिथियम। राइट नाउ इंडिया के अंदर लिथियम के कुछ रिसोर्सेस मिले हैं, बट दे आर येट टू एक्सट्रैक्ट। तो इंडिया के अंदर कोई कंपनी है जो लिथियम की बैटरीज बना रही है, तो बैटरीज बनाने के लिए लिथियम इंपोर्ट करेंगे ना, अगर लिथियम महंगा हो गया तो बैटरी की प्राइसेस भी बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड के कारण। इन्फ्लेशन क्यों है, सप्लाई साइड के कारण। तो शॉर्टेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी वेरी क्रूशियल। अगर उनमें शॉर्टेज हो गया या फिर इनमें इन्फ्लेशन हो गया तो उसके कारण क्या हो जाएगा, आगे भी इन्फ्लेशन हो जाएगा। सेकेंड इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, हाउ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इम्पैक्ट सप्लाई साइड। जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो रहे हैं तो प्रोडक्शन के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा ना। मान लो फैक्ट्री वर्कर्स ने वहां पे स्ट्राइक कर दी, उनकी कुछ डिमांड्स है कि उनको बोनस मिलना चाहिए, अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हफ्ते में चार चार दिन का ही काम होना चाहिए, है ना। तब अगर इस तरीके के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गए तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में क्या हो जाएगा, वहां पे प्रोडक्शन के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा, एक तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी निगेटिव इंपैक्ट होगा। कैसे, अगर किसी भी देश के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ज्यादा है, मतलब उस देश के अंदर बिजनेसमैन को परेशानियां बढ़ जाएगी, तो कोई भी बिजनेसमैन क्यों ऐसे जगह पे काम करने की कोशिश करेगा जहां पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ज्यादा है और उसकी परेशानी ज्यादा है। तो इसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी निगेटिव इम्पैक्ट है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से प्रोडक्शन के ऊपर भी निगेटिव इम्पैक्ट होगा। जितने ज्यादा लोग स्ट्राइक पे जाएंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन कम होते जाएगा, है ना। तो जब प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट होगी, सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट होने से इन्फ्लेशन होगा। सो दैट्स हाउ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आल्सो लीड टू द इन्फ्लेशन इन इंडिया। अनदर रीजन फॉर सप्लाई शॉर्टेज और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सप्लाई इज नेचुरल कैलामिटीज, नैसर्गिक आपत्ति। टेक फॉर एग्जांपल टर्की एयर,
पुराना नाम टर्की, अभी नया नाम तुर्की है। अब ये जो तुर्की है इसके अंदर लास्ट ईयर भूकंप आया था, और काफी भयंकर भूकंप था, रिश्टर स्केल के ऊपर 9 का मैग्नीट्यूड था उसका, उससे ज्यादा था। तो इतना भयंकर भूकंप था वो कि पूरा टर्की बर्बाद हो गया, वहां पे टर्की का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया। एक साल बाद भी अगर आप टर्की के इन्फ्लेशन के ऊपर नजर रखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 60% इन्फ्लेशन, मोर देन 60%, 60%, इंडिया में 6% से कम है, वहां पे 60%, मतलब इंडिया से 10 गुना से ज्यादा इन्फ्लेशन है टर्की के अंदर। अब इतना इन्फ्लेशन क्यों है? क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी, भूकंप आ गया ना। भूकंप के आने के बाद क्या हो गए, उनकी सड़कें, रेलवे लाइंस, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज, ये सारी बर्बाद हो गई। इनके कारण सप्लाई शॉर्टेजेस क्रिएट हो गए। जब सप्लाई शॉर्टेजेस क्रिएट हो गए तब नेचुरल कॉन्सिक्वेंस मतलब इन्फ्लेशन है ना। तो नेचुरल कैलेमिटीज, तो भूकंप, सुनामी, ये नेचुरल कैलेमिटीज के अंदर आएंगे। मान लो कोविड है ना, कोविड इज ऑल्सो नेचुरल कैलेमिटीज। हम सब ने कोविड के अंदर देखा है कि दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है हमको। देन बारिश नहीं होना, ड्रॉट्स, ये भी क्या है, इन्फ्लेशन का एक कारण है वहां पे। तो ये जो इन्फ्लेशन है ये सप्लाई साइड में, इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्यों हो रहा है, ये इन्फ्लेशन सप्लाई साइड के कारण क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज है। सेकेंड इज आर्टिफिशियल स्कैर्सिटीज। आर्टिफिशियल स्कैर्सिटीज मतलब क्या, आर्टिफिशियल जो भी रिसोर्सेस है वो स्कैर्स हो जाना वहां पे, उसके कारण भी क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, राइट नाउ प्लास्टिक इज अ कमोडिटी विच इज यूज एवरीवेयर इन टू द इकोनॉमी, ऑलमोस्ट हर जगह पे प्लास्टिक यूज हो रहा है। अगर मान लो प्लास्टिक का सप्लाई शॉर्ट हो गया, तब प्लास्टिक के ऊपर डिपेंडेंट जो इंडस्ट्री है वो सारी इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये आर्टिफिशियल सैक्रिफाइसेस, ठीक है, स्कैर्सिटी वहां पे। टेक अनदर एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी इज दैट होल्डिंग, होल्डिंग होल्डिंग यानी जमाखोरी। अब रिसेंटली किस्सा हो गया था कि कुछ सालों पहले इंडिया के अंदर तूर दाल जो थी ना, जो तूर दाल थी वो 200 रुपए के ऊपर, मतलब उसकी प्राइस पर केजी 200 रुपए के ऊपर चली गई थी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस साल प्रोडक्शन अच्छा हुआ था, तो जब प्रोडक्शन अच्छा है तो सप्लाई भी अच्छा होना चाहिए, सप्लाई अच्छा होगा तो इन्फ्लेशन भी नहीं होगा। लेकिन प्रोडक्शन अच्छा है, सप्लाई में गड़बड़ हो गई। ये सप्लाई में गड़बड़ क्यों हुई, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी के कारण, होल्डिंग के कारण। अब होल्डिंग के अंदर हुआ क्या कि जो भी ट्रेडर्स थे उन ट्रेडर्स ने क्या कर दिया, वहां पे जमाखोरी करना शुरू कर दिया। जो भी पल्सेस थे, तुर दाल थी, उनको उन्होंने खरीद खरीद के अपने गोदाम के अंदर स्टॉक करके रख दिया। जब वो स्टॉक करके रख दिया उन्होंने, तो मार्केट के अंदर आर्टिफिशियल सप्लाई शॉर्टेजेस क्रिएट हो गए, मतलब स्कैर्सिटी क्रिएट हो गई। अब सप्लाई शॉर्टेज मतलब इन्फ्लेशन, इसलिए तुर दाल के दाम 200 रुपए किलो के ऊपर पहुंच गए। तो ये आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी भी सप्लाई साइड में अंदर, सप्लाई साइड के अंदर एक रीजन है जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका इन्फ्लेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी। देन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ने से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है ना गाइस। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर 100 लोग हैं, इन 100 लोगों को चाहिए 100 पेन, मतलब पेन चाहिए इनको, हर एक पर्सन को एक एक पेन चाहिए, तो मतलब 100 पेन होने चाहिए। तो 100 लोगों के सामने 100 पेन रखेंगे तो डिमांड और सप्लाई मैच है। जब डिमांड और सप्लाई मैच है तो प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी, क्या रहेगी, प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी। मान लो इन 100 पेन में से 50 पेन भारत सरकार ने एक्सपोर्ट कर दिए, जब एक्सपोर्ट कर दिए तब अब भारत के लोगों के सामने 100 नहीं 50 पेन रहेंगे, लेकिन डिमांड तो उतनी है ना भारत के अंदर, तो भारत के अंदर डिमांड उतनी है लेकिन सप्लाई शॉर्ट कर दिया। सप्लाई शॉर्ट क्यों हुआ, क्योंकि एक्सपोर्ट करना पड़ा वहां पे। तो एक्सपोर्ट करने के बाद जो सप्लाई शॉर्ट हो गया उसके कारण क्या हो जाएगा, भारत में इन्फ्लेशन हो जाएगा, है ना। अभी रिसेंटली भारत सरकार ने राइस के ऊपर बैन कर दिया, एक्सपोर्ट बैन, राइस का एक्सपोर्ट बैन कर दिया। उसका रीजन वही है, क्योंकि अगर राइस का एक्सपोर्ट बैन नहीं करेंगे तो इंडिया के अंदर राइस का सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट हो सकता है, और उसके कारण राइस की प्राइसेस भड़क सकती है, वहां पे राइस की प्राइसेस बढ़ सकती है।
तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पे राइस के प्राइजेस को कंट्रोल कर दिया, ठीक है, उसका एक्सपोर्ट कंट्रोल कर। सो दिस इज योर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। नेक्स्ट इज लॉप साइडेड प्रोडक्शन। लॉप साइडेड प्रोडक्शन मतलब लो प्रोडक्शन, एक तरीके से लो प्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जब लो प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई शॉर्टेजेस क्रिएट होंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये भी एक अनदर चीज है। अभी थोड़ा सा फेयरली टेक्निकल पॉइंट है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के, मान लो आपकी एक जमीन है 5 एकड़ की, ठीक है। अब 5 एकड़ की जमीन के अंदर आप मजदूरों के सहारे से काम कर रहे हो। अब जब आप मजदूर के सहारे से आप एक काम कर रहे हो, अब हमने क्या समझा था, लैंड लेबर। लेबर क्या है, तो लेबर आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना। तो यहाँ पे मैं उसके आधार पे आपको एग्जांपल समझाता हूँ। लेबर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए लेबर की जरूरत होती है। तो ये 5 एकड़ की जमीन के अंदर खेती करने के लिए आपको लेबर चाहिए। तो 5 एकड़ के अंदर 5 लोग काम करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, कितने, 5 लोग। लेकिन मान लो यहाँ पे और 5 लोग आ गए तो लेबर बढ़ाए आपने, लेकिन लेबर बढ़ाने से आउटपुट कम हो गया ना, जो आउटपुट है वो रिड्यूस हो गया। तो व्हेन यू इंक्रीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर इज अ डिक्रीज इन आउटपुट लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, तब आप कहोगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्ट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्ट, ठीक है ना। मतलब जैसे जैसे आपने कैपिटल, सॉरी लेबर को बढ़ाया वहां पे, तो वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था। लेकिन एक हद तक, मतलब पहले एक इंसान काम कर रहा था तो प्रोडक्शन कम था, तो आपने दूसरा इंसान बुलाया, प्रोडक्शन बढ़ गया। आपने तीसरा भी बढ़ाया बुलाया, फिर और बढ़ गया। आपने चौथा इंसान बुलाया काम करने के लिए और प्रोडक्शन बढ़ गया। पांचवें में ये पीक पे पहुंच गया, पांचवें में ये प्रोडक्शन पीक पे पहुंच गया। लेकिन जब आप छठा पर्सन ऐड कर रहे हो ना, तब प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है। जब आप देखोगे ना प्रोडक्शन का ग्राफ, तो प्रोडक्शन नीचे उतर रहा है। ये प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन उतर रहा है, सातवां पर्सन आने के बाद और उतर रहा है, आठवां पर्सन आने के बाद और उतर रहा है। तो मतलब जितने आप लेवल बढ़ाते जाओगे 5 के बाद, उतना प्रोडक्शन ड्रॉप होते जाएगा। दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्ट। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्ट स्टेट दैट एडिंग ऑन एडिशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिजल्ट्स इन स्मॉलर इंक्रीजिंग आउटपुट। जैसे जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेंगे, वैसे वैसे आउटपुट कम होते जाएगा। जब आउटपुट कम हो रहा है वहां पे, तो मतलब वहां पे सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट होगी। जब सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट हो रहे, तब इन्फ्लेशन, तब क्या होगा, इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फैक्टर्स, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर। सब लोगों को पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर की बात क्या हो गया, दुनिया के अंदर महंगाई भड़क गई। अभी रिसेंटली हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बोला कि इंडिया इज वेटिंग फॉर ग्लोबल थैंक यू। पूरी दुनिया भारत देश का आभार माने, इंडिया इसकी वेट कर रहा है। अब ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की बात क्या हो गया, यूरोप, पर्टिकुलरली यूरोप ने रशिया से ऑयल खरीदना, परचेज करना बंद कर दिया। अब यूरोप चला गया सऊदी, सबसे नजदीकी रीजन। अब वो सऊदी, सऊदी मतलब नॉट ओनली सऊदी, गल्फ रीजन। तो वो गल्फ रीजन चले गए, गल्फ रीजन में ऑयल मिलता है, तो वहां से उन्होंने और ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। अब जब यही प्रेशर जो यूरोप के ऊपर लगा था, वही प्रेशर इंडिया के ऊपर भी लगा था ना, इंडिया ने उस प्रेशर को रिजेक्ट कर दिया और इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता रहा। जब इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा था, तब पूरी दुनिया इंडिया को क्रिटिसाइज कर रही थी कि तुम वॉर को फंड कर रहे हो, ये वो फलाना मलाना। इंडिया ने काउंटर किया समय समय पे, लेकिन उन लोगों का एटीट्यूड बदल नहीं रहा। लेकिन फाइनली शक्तिकांत दास ने कहा कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीदता, तो इंडिया भी गल्फ कंट्री से ही खरीदता। जब गल्फ कंट्रीज के अंदर डिमांड बढ़ जाएगी, एक तो यूरोप ने डिमांड बढ़ा दी, ऊपर से इंडिया भी डिमांड बढ़ा देता, तो ऑयल के प्राइसेस भड़क जाते।
अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते तो पूरी दुनिया के अंदर महंगाई फैल जाती और बढ़ जाती। इसीलिए भारत कह रहा है, शक्तिकांत दास उस समय में कह रहे थे दैट ग्लोबल इकोनॉमी शुड थैंक यू इंडिया दैट इंडिया परचेज ऑयल फ्रॉम रशिया। इसके कारण क्या हो गया, मार्केट के अंदर बैलेंस मेंटेन रहा डिमांड एंड सप्लाई, इसके कारण इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ा है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल फैक्टर्स फॉर इन्फ्लेशन, हम लोग इंटरनेशनल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है तो अलग अलग कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन के ऊपर अलग अलग परिणाम भी हो रहे हैं। तो दिस इज योर इंटरनेशनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई शॉर्टेजेस इन इंडिया और सप्लाई प्राइजेस इन इंडिया। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सो दीज आर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सप्लाई विच इम्पैक्ट इन्फ्लेशन इन इंडिया। सो गाइस, इस हिसाब से क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन जो है ना वो बढ़ते जाएगा अगर सप्लाई साइड में शॉर्टेजेस क्रिएट होंगे। ओके, अब ये जो सप्लाई साइड है इसको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, सप्लाई साइड या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो इट डेवलप व्हेन फैक्टर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, यही चीज बताई ना मैंने, लेबर लैंड कैपिटल ये सारी चीजें बताई थी आपको, फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड फॉर द गुड्स। इट इज डिटरमाइंड बाय सप्लाई साइड फैक्टर सच एज हायर वेजेस, हायर ऑयल प्राइसेस एक्सेट्रा। तो उसके कॉजेस क्या थे वो भी तो देखे थे, वो सप्लाई साइड के ऊपर इंपैक्ट कर रहे थे। तो राइजिंग नॉमिनल वेजेस ऑफ लेबर, लेबर की कीमतें बढ़ना वो भी क्या है, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स, एक्सचेंज रेट को, एक्सचेंज रेट का डेप्रिसिएशन हो जाना ये भी क्या है, इन्फ्लेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, 50 रुपए। अगर $1 बराबर 80 रुपए हो गए तो आप कह रहे हो कि इंडिया का रुपये डेप्रिशिएट हो गया, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। अब ये जब करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तब ये इन्फ्लेशन को कैसे इनवाइट कर रही है, सिंपल, इंपोर्ट के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। किसके ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर। अब क्या हो रहा है कि इंडिया ऑयल इंपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया से, मान लेते रशिया से। तब जब ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तब हम डॉलर में पेमेंट करेंगे उनको, फिलहाल के लिए रुपी ट्रेड डील हुई है लेकिन मैं आपको जनरल सिनेरियो बता रहा हूँ कि बाकी की चीजें तो हम डॉलर से खरीदते हैं। तो मान लो हम ऑयल डॉलर से खरीद रहे हैं, सऊदी से वगैरह अलग अलग कंट्री से खरीद रहे हैं। अब $1 बराबर 50 रुपए, तब हम लोग $100 का ऑयल खरीद रहे हैं, कितने, $100 का। तो $100 के लिए हम 50 रुपए खर्च कर रहे थे तो कितना हो गया आपका, 5,000 रुपए। तब हम 5,000 रुपए दे के $100 ले रहे हैं और $100 से ऑयल खरीद रहे हैं एक्सचेंज रेट। अब यही एक्सचेंज रेट बदल गया, अब डेप्रिसिएशन हो गया तो $1 बराबर 80 रुपए हो गए। तो पहले जब 5,000 में ऑयल खरीद रहे थे अब वही ऑयल हम 8,000 रुपए में खरीद रहे हैं ना, क्योंकि डॉलर में प्राइस सेम होगी लेकिन एक्सचेंज रेट बदल गया, अब पहले 50 रुपए था अब 80 रुपए हो गए। जब 8,000 में ऑयल खरीद रहे हैं जबकि पहले 5,000 में खरीद रहे थे तो महंगा हो गया ना हमारे लिए, इनपुट कॉस्ट इज हाई। जब इनपुट कॉस्ट हाई हो रही है तो सप्लाई साइड में ही इन्फ्लेशन होगा ना। तो इसलिए हमने कहा कि डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट लीड्स टू द इन्फ्लेशन।